श्री काशी विश्वनाथ धाम दिव्य काशी भव्य काशी, नंदी का दर्शन कर लें आप। श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास एवं वर्तमान भव्य स्वरूप। काशी का महात्म श्री काशी विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग, श्री काशी विश्वनाथ धाम की नव परिकल्पना, श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव भव्य स्वरूप, श्री काशी विश्वनाथ धाम की महत्ता, श्री काशी के महत्वपूर्ण मंदिर, हम काशी के महात्मा की चर्चा करने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, काशी का यह विहंगम दृश्य, काशी महात्म, आइए इसकी चर्चा करते हैं। अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली काशी साक्षात भगवान शिव के विग्रह स्वरूप में विराजमान संसार की प्राचीनतम नगरी काशी, विश्वकर्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना काशी, जिसे भगवान शिव ने स्वयं इसे आनंद कानन तदंतर अविमुक्त और अविनाशी कहा। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर वरुणा और अशी नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे सारा विश्व वाराणसी के नाम से जानता है। इसको पुण्यतीर्थ, तपस्थली, काशिका, अविमुक्त आनंदवन, अपुनर्भव भूमि, द्रवास तथा महाशमशान आदि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थल है। पहले यह भगवान शिव अर्थात माधव की पुरी थी। यहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि काशी ब्रह्मा जी का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, सदा सेवित और रक्षित है। स्कंद पुराण में काशी को भूमि का खंड न कहकर ब्रह्म रसायन कहा गया है। साक्षात भगवान विश्वेश्वर ने काशी रूपी ब्रह्म रसायन को त्रिलोक में सबसे प्रिय परम सौख्य की भूमि कहा है। स्कंद पुराण में ही वर्णन आता है कि यह काशीपुरी त्रिलोक से न्यारी एवं सनातन सत्य स्वरूपा है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण में काशी शब्द तथा बृहदारण्योपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी सहित सभी ग्रंथों में काशी की महत्ता से संबंधित उद्धरण मिलते हैं। महर्षि व्यास ने काशी को त्रिलोक की नाभि बताते हुए कहा है कि संपूर्ण धरित्री की नाभिभूता शुभोदया, इस काशी का प्रलय काल में भी प्रलय नहीं होता है। लिंग पुराण के अनुसार काशी का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हुए साक्षात महादेव का कथन है कि वाराणसी मेरा गुणतम क्षेत्र है और सर्वदा प्राणियों के मोक्ष का कारण है। भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला की राजधानी काशी प्राचीन काल से ज्ञान पिपाशुओं और मुमुक्षुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। विश्व सदैव नए विमर्श के लिए काशी की ओर देखता रहा है। काशी सदैव अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। भगवान आप देख लें यहाँ पर दिव्य काशी, भव्य काशी, इन तस्वीरों में देखें यशस्वी प्रधानमंत्री जी। भगवान बुद्ध ज्ञान तो बुद्ध गया में प्राप्त करते हैं, पर धर्म चक्र परिवर्तन के लिए काशी के पास ऋषि पत्तन अर्थात सारनाथ आते हैं। वेदांत के सबसे बड़े प्रवक्ता आदि गुरु शंकराचार्य केरल प्रदेश के कालड़ी नामक स्थान से काशी आते हैं। महान संत नानक दाराशिको राजकुमार काशी आते हैं।
काशी में कबीर के स्वर में निर्गुण की गूंज होती है तो तुलसी राम कथा के माध्यम से सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, जिसे काशी ने स्वीकार किया, उसे संसार ने स्वीकार किया। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने भी प्रयाग से आकर वाराणसी में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व में ब्रह्मोदय अर्थात संवाद का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र रहा है काशी। यहाँ संस्कृत पाठशालाओं में शास्त्रार्थ की वह प्राचीन स्थापित परंपरा आज भी जीवंत है। काशी शाश्वत है, ऋषियों की तपह स्थली है। भारतीय सनातन चिंतन परंपरा में चिन्मय प्रकाशिका काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। यह महज संयोग नहीं है, काशी के पास सारनाथ को ऋषिपत्तन कहते हैं। काशी हिंदू सनातन परंपरा के साथ साथ अन्य हिंदू पांथिक परंपराओं मान्यताओं को भी अपने आप में आत्मसात किए हुए है। काशी के पंच गंगा घाट से ही भारतीय ऋषि परंपरा के रामानंदाचार्य के विचारों में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के सुधारात्मक स्वरूप का दर्शन होता है, जिसको पूज्य संत तुलसी, रविदास, कबीर आदि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन परंपरा को लोक शिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और तुलसी समाज जागरण की परंपरा को स्थापित करते हैं। काशी साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में चिरकाल से गौरवशाली विरासत की संवाहिका रही है। काशी यूं ही संपूर्ण नगरी नहीं है, भगवान शिव की नगरी काशी सर्वधर्म संभाव का जीवंत उदाहरण है, तो इसलिए कि यह सभी धर्मावलंबियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। काशी और कबीर, काशी की इस पावन धरा से समय समय पर ऐसे अनेक संत महापुरुषों को उत्पन्न किया है, जिन्होंने मानव जीवन को निष्कंटक बनाते हुए जीवन पथ को सरल, संयमित एवं उच्च आदर्शों से युक्त बनाया है। ऐसे संतों में कबीरदास का वर्णन अग्रिम पंक्तियों में आता है। काशी और तुलसीदास, युग प्रवर्तक तुलसीदास का काशी से अत्यधिक लगाव रहा है। अयोध्या एवं चित्रकूट के अतिरिक्त जीवन के मूल्यवान क्षण उन्होंने काशी में ही व्यतीत किए तथा उनके द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को साक्षी मानकर अपने रामचरितमानस ग्रंथ को काशी विद्वत मंडली के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रसंग मिलता है। मुगलों के शासनकाल में जब धर्म परिवर्तन कर सभी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाने लगा, तब निर्भयतापूर्वक रामचरित मानस एवं रामलीला के मंचन के माध्यम से इसी काशी से तुलसीदास ने राजा रामचंद्र की जय हो का उद्घोष गांव-गांव तक पहुंचाया।